कांतारा की तरह दमन फिल्म भी अभी के टाइम में पूरे सोशल मीडिया पर छा गई है। अभी के टाइम में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है। खैर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इसका बजट कितना है, अब तक ये फिल्म कितना कलेक्शन कर चुकी है और हिंदी में वगैरह ये फिल्म कब तक आएगी, सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बन रहे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म की। उसको 4 नवंबर 2022 को ओडिशा के ओडिया लैंग्वेज में रिलीज किया गया। स्टार्टिंग में इस फिल्म को भी कांतारा की तरह की लैंग्वेज में रिलीज किया गया। बात करें दोस्तों हम इसका बजट की, तो इसका बजट ओनली 495 लाख। मतलब यार अभी के टाइम में आप लोग देख ही सकते हो नॉर्मली 10-15 करोड़ में फिल्म बनती है, लेकिन इस फिल्म को बनाने में खाली 95 लाख ही लगे। उसमें भी दोस्तों देखिए प्रिंटिंग होती है, फिल्म का प्रमोशन होता है, तो सब कुछ मिलाकर 95 लाख हुए, जो कि हम अभी के टाइम में देखे तो ये काफी कम है। मैंने पहले फिल्म का बजट 5 करोड़ बताया था, लेकिन वो दोस्तों पूरा ही बजट गलत था। लेकिन अब मैं भी इसमें क्या कर सकता हूं, गूगल पर मैंने दमन फिल्म का बजट देखा तो अब वही दिखा रहा था। खैर बात करें दोस्तों हम इसके अब तक के कलेक्शन की, तो इस फिल्म को रिलीज हुए आज 8 दिन हो चुके हैं। फिलहाल अभी इसको खाली ओडिया लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, तो ये कोई ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, बल्कि गूगल पर दिखा रहा है उस हिसाब से बता रहा हूं। तो अब तक ये फिल्म 1.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर चुकी है। अब ये रियल है या फिर फेक है इसका कुछ भी पता नहीं है, बिकॉज ये कोई ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस नहीं है, बल्कि गूगल के हिसाब से बता रहा हूं। अब तक तो ये फिल्म ओडिया में ही रिलीज थी, लेकिन आज ओडिया के अलावा बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में रिलीज किया गया है। तो अगर आप लोग भी उन सिटी से है तो ये फिल्म जरूर देखना। आज अहमदाबाद में इसको 100 मिला, मुंबई में 2, कोलकाता में 1, चेन्नई में 1, रायपुर में 1, बेंगलुरु में 1। अब इतने कम शो देखकर आप लोग भी बोल रहे होंगे भाई ये क्या इतनी हाइप है मूवी की, और बड़े बड़े शहरों में इसके 1-2 शो ही लगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 1-2 शो भी लगे वो इन सभी शहरों में पूरे ही फुल जा रहे हैं। इसके अलावा अभी दमन को जिन सिटी में रिलीज किया गया उसमें लैंग्वेज तो ओडिया ही है, बट इंग्लिश सबटाइटल के साथ इनको इन सभी जगह पर रिलीज किया गया है। तो आप लोग भी अगर इन सिटी से है तो इसे आराम से देख सकते हो। बाकी जिन लोगों को अगर इसे हिंदी में देखना है तो कम से कम 10-15 दिन का वेट कीजिए, क्योंकि अभी बहुत जल्द ये हिंदी में भी डबिंग होने वाली है। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि भाई ये हिंदी में आएगी या फिर नहीं आएगी, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भाई हिंदी में ये फिल्म जरूर आएगी, क्योंकि लोग इस फिल्म को हिंदी में देखने की मांग कर रहे हैं और उस हिसाब से मेकर्स को इसे हिंदी में डबिंग करना ही होगा। बाकी दोस्तों आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताएं।